चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीबीएमएस भी बोला जाता है, डीबीएमएस। तो सबसे पहले डी का मीनिंग होता है डेटा, तो उसकी डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा। कई टाइम कई बच्चे के माइंड में ये सब कुछ कंफ्यूजन होता है। मैं आपको पूछूं व्हाट इज अ डेटा, तो आपके माइंड में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपकी सिंपल डेफिनेशन थी। मैं आपको पूछूं व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ डेटा, यही होता है ना आपके माइंड में डेफिनेशन। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। समझाता हूं, अच्छी तरह क्लैरिफाई करना एक एक माइंड के अंदर पॉइंट्स। जैसे डेटा के अंदर फिजिकली नेम्स, अल्फाबेट ऐसा कुछ अवेलेबल होना चाहिए। नहीं समझ में, समझाता हूं, इसमें पॉइंटिंग भी हो सकता है। मेरा खुद का एग्जांपल देता हूं, मेरा नाम है वो मेरा डेटा है, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेरा डेटा है, क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मेरी हाइट विथ वो डेटा है, मेरी बर्थ डेट डेटा है, ओके तो ये हो उसका डेटा। आपको पूछा गया व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन व्हाट, प्रोसेस ऑफ द डेटा, जो डेटा के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। एग्जांपल दूं, मैं कहीं भी एग्जांपल आर्मी के अंदर मैं ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूं, अगेन मैं आर्मी के अंदर अगेन ज्वाइन करूंगा, तो मेरा डेटा का यूज करेगा। आप बोलोगे सर कैसे, जैसे वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम, तो मैं मेरा डेटा आप उसको इन्फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक प्रोसेस कर रहा हूं। किसकी प्रोसेस करो, आर्मी को ज्वाइन करने की। मेरी हाइट पूछे गए, मेरे वेट पूछे गए, राइट, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछे गए, तो ये सब प्रोसेस ऑफ द डेटा, उसको क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। ओके, तो आई होप सो थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में क्लैरिफाई हो गया। बेस मींस व्हाट, उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे बड़ी डिमांड है अभी मार्केट के अंदर। आपको इन्फॉर्म कर दूं, साइंस के अंदर आप स्टूडेंट हो, बट कैनेडा, न्यूजीलैंड, वो सब कंट्री के अंदर कॉमर्स वाले स्टूडेंट की ज्यादा डिमांड है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री है हमारे इंडिया जैसा, तो वहां पे कॉमर्स के पर्सन ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस सेटल कर सकते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी डेवलप कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हमारे ये सब डेटा को मैनेज कैसे करेंगे, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर रूल्स होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही है। और सिस्टम इज व्हाट, कंप्यूटर, देखो यहाँ पे लोगो आपको दिखाई दे रहा है, जो जितने भी डेटा है वो उसको मैनेज करना है। ओके, इससे भी बेटर मैंने सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके क्लास टीचर क्या करते हैं, जब आपने सबसे फर्स्ट 10th में से 11th में एडमिशन लिया, तो आपने फॉर्म भरा था, याद है आपने, फॉर्म के अंदर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, आपकी स्ट्रीम ए ग्रुप, बी ग्रुप, राइट, साइंस, कॉमर्स, आपका एड्रेस, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ओके, मदर का मोबाइल नंबर, 10th की मार्कशीट। मींस वो फॉर्म के अंदर से उसने क्या किया था, आपका पर्सनल डेटा उसने कलेक्ट किया, क्लियर हुआ। और आपने क्या प्रोसेस की, आपने 11 साइंस के अंदर एडमिशन लिया, तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन। ओके, तो आपके क्लास टीचर ने या टीचर्स ने क्या किया, वो फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर वे में मैनेज किया। कैसे मैनेज किया, भाई ये स्टूडेंट यहाँ एक 11 साइंस ए के अंदर होना चाहिए, ये स्टूडेंट 11 साइंस बी के अंदर होना चाहिए, ओके। बाद में वापस कैसे मैनेज किया उसने, आप सबका नाम क्लास रजिस्टर के अंदर लिखा, और रोज कौन सी प्रोसेस करते हैं अटेंडेंस लेने की, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, समझ में आ रहा है आपको। तो ये है मैनेजमेंट करना। और मैनेजमेंट आप कभी आपने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया होगा अपना क्लास रजिस्टर, उसके अंदर प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में आपका नाम अरेंज किया होता है, सन नेम वाइज हो सकता है, नेम वाइज हो सकता है, बॉयज का नेम है वो ब्लू कलर से लिखा होता है, गर्ल्स का नेम लिखा हो गया तो आई थिंक ब्लू रेड कलर से लिखा होता है, तो ये सब कुछ ऐसे मैनेज करते हैं। और सिस्टम, एक सिस्टम थी, सिस्टम इज व्हाट, भाई बच्चों का जीआर नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे जो सिस्टम की बात हो रही है, ये सब कुछ फिजिकली पेपर और पेन का यूज किया था, पर हमको पेपर और पेन का यूज नहीं करना है, इसको कंप्यूटराइज मैनेज करना है। कैसे, कंप्यूटराइज,
अभी अच्छी तरह दूसरे एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने फिजिकली अभी तक जो पुराना वाला डेटा मैनेज करते थे, लेटेस्ट वाला, ओके, आपका मोबाइल नंबर, आप अपने मोबाइल नंबर में ऐड करते हो, एग्जांपल देता हूँ अच्छी तरह समझना। जैसे आपने पूछा सर आपका मोबाइल नंबर क्या है, मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया, तो मेरा डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने प्रोसेस क्या की सेव करने की, आपके मोबाइल के अंदर वो सेव किया, तो मैनेज कौन कर रहा है? जैसे आपने मेरा नंबर सेव किया आपके मोबाइल के अंदर, मेरा नाम ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है, आप अरेंज करते हो? नो, समझ में आ रहा है आपको? मैनेजमेंट इज व्हाट, वो ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में चेंज, ओके, हो गया। उसके बाद दूसरा क्या प्रॉब्लम है, मैनेज तो हो गया पर आपने कंप्यूटराइज मैनेज किया, जब भी मुझको आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हो या व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, ओनली फॉर मेरा मोबाइल नंबर यूज करते हो। एक ही बार हमने सेव किया था और हम अनलिमिटेड टाइम उसका यूज कर रहे हैं, तो डेटा हमको वन टाइम ही कलेक्ट करना है और इंफॉर्मेशन मींस प्रोसेस ऑफ द डेटा एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम काम कर सकते हैं। जैसे आपको और मेरा गुड रिलेशन होगा, हम अच्छे स्टूडेंट टीचर्स बन के रह गए, तो लास्ट एंड तक आप मुझको याद रखोगे, मैं आपको याद रखूंगा, भाई ये इतने इतने मेरे गुड स्टूडेंट है जो 2020-21 के अंदर इतना सारा प्रॉब्लम होने की वजह से भी वो अपना लाइफ और फ्यूचर बना के निकल गए, एक हिस्ट्री बन जाती है। इसमें भी ऐसे ही यहाँ पे क्लैरिफाई करना है, तो कहने का मेन पर्पज है डेटा। पूरे वर्ल्ड के अंदर हैकर है ना, हैकर क्या चुराता है मालूम है? आपका डेटा चुराता है, वो मनी नहीं चुराता, और आपका डेटा डिजिटलाइज है। समझाता हूं, आप इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर इतने सारा पासवर्ड पैटर्न लोग क्यों लगाते हो और क्यों किसी के साथ पासवर्ड शेयर नहीं करते, उसके अंदर कुछ अलग है? यस, आपका पर्सनल डेटा है जो पूरे पब्लिक के बीच में आप शेयर नहीं करना चाहते। बट मैं आपको पूछूं आपका नाम क्या है तो आप सामने से बोल दोगे, ओके, मैं आपको पूछूं आपका एड्रेस तो सामने से बोल दोगे, तो वो भी डेटा ही है ना, उसमें भी अल्फाबेट है, पासवर्ड में भी अल्फाबेट है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? ये जो नेम है आपका वो पब्लिक है। हम इतना सारा स्टडी क्यों करते हैं, इतना सारा हम मेहनत क्यों करते हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपका अच्छा नाम हो, ओके, अदरवाइज क्या रहने लेने देने। और यही पूरा पॉइंट्स, ये सॉफ्टवेयर यहां से होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट डेटाबेस किसके पास कलेक्ट किया हुआ मालूम है? गूगल के पास। गूगल के अंदर आप जो डेटा आप डालोगे, ओके, वो उसका आंसर देगा। आपको किस में आंसर चाहिए वो डिपेंड, जैसे एग्जांपल मैं गूगल के अंदर लिखता हूं व्हाट इज कंप्यूटर, अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो वो आंसर कैसे देता है देखना। तो उसने ये सब डेटा तो मैंने एक बार तो कलेक्ट किया होगा ना, एनी हाउ इसने एक बार तो ये सब डेटा स्टोर तो किया ही होगा, तभी तो वो मुझको डिस्प्ले करवा सकता है। ओके, मैं यहाँ पे गूगल के पास जाता हूं, google.com लिख रहा हूं, तो गूगल का ये सर्च इंजिन डेटाबेस एक्चुअली खुल चुका है, इसके लिए हम उसको सर्च इंजिन बोलते हैं। मैं लिखता हूं व्हाट इज कंप्यूटर, जैसे मैंने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा तो यहां पे इंफॉर्मेशन आई, आप ऑल करोगे तो उसका डिक्शनरी का वर्ड की हेल्प मिलेगी, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको यहाँ सजेशन, विकिपीडिया में भी हेल्प है, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर वीडियो भी मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक है, इमेजेस भी। बट आपकी रिक्वायरमेंट है सर मुझको ओनली फॉर कंप्यूटर की बुक चाहिए, तो बुक के अंदर क्लिक करोगे तो बुक के पीडीएफ ही फॉर्मेट मिलेगा। आपको रिक्वायरमेंट है न्यूज की तो आपको ओनली फॉर न्यूज ही मिलेगा। आपको उसकी रिगार्डिंग इमेजेस चाहिए तो ओनली फॉर इमेजेस ही मिलेगी। तो देखो गूगल ने एज पर क्लाइंट, एज पर अवर रिक्वायरमेंट डेटा को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज मैनेज किया हुआ है। आपको कैसा डेटा चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं? जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर लर्न किया था मल्टीमीडिया, आपका डेटा कौन से फॉर्मेट में हो सकता है बोलो तो? आपका ऑडियो ग्राफिक्स वीडियो, यस, आपका डेटा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, वर्बली नॉन वर्बली। समझाता हूं, मैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं स्टडी कर रहा हूं, आपके पास टेक्स्ट बुक है वो भी डेटा ही है, और मैं आपको वही नॉलेज दे रहा हूं वर्बली दे रहा हूं, वो भी डेटा है, वॉइस के थ्रू दे रहा हूं, ऑडियो के थ्रू दे रहा हूं, तो हो सकता है आपका डेटा इमेज फॉर्मेट में हो,
हो सकता है डेटा मूवी फॉर्मेट में हो सकता है डेटा आपका ऑडियो वीडियो या इमेज या टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, पर वो सब इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पासवर्ड है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, आपका डीपी है वो इमेज फॉर्मेट में आपका डेटा है, राइट। बट आपका कोई शॉर्ट वीडियो बना रहे हो, ओके, आपका फैमिली का कुछ फंक्शन है और आपके फैमिली के अंदर आपने वीडियो बनाया, तो वो भी डेटा ही है। समझ में आ रहा है आपको डेटा को? हमारे यहाँ पे मैनेज करना है कंप्यूटराइज, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी लॉट डिमांड होती है। इसमें स्पेशली जो ए ग्रुप वाले स्टूडेंट है उसको मैं आपको सजेशन दूं, आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर सॉफ्टवेयर की लॉट डिमांड है, पर इसमें भी डेटा मैनेजमेंट वाले जो इंजीनियर है ना उसके भी लॉट है। क्योंकि इंजीनियर तो 1000 बन जाएंगे बट उसको डेटा को मैनेज करना वो डिफिकल्ट है। क्यों? कोई हैकर उसके ऊपर डेटा हैक ना करके, उसके लिए एथिकल हैकर होता है। हैकर का काम क्या होता है? आपका डेटा को चुरा लेना। एथिकल हैकर को क्या काम है? आपके डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जैसे एग्जांपल दो, अभी तक आपका खुद का पर्सनल फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, अभी तक फेसबुक हैक नहीं हुआ। समझ में आ रहा है आपको? इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हुआ है पर इंस्टाग्राम हैक नहीं हुआ। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके पास कैसे मैनेज करते हैं, हमने आगे वाले चैप्टर 13 के अंदर लर्न किया था। दो टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस, सान एंड नास, याद है आपको? सान एंड नास के बारे में, तो वो क्या था, सान का फुल फॉर्म क्या लर्न किया था दीदी? बोलो बोलो रुद्र, सान और नास। एक तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, हाँ सॉफ्टवेयर के स्टोरेज, दोनों में डेटा स्टोर होने की बात हो रही थी। यस, स्टोरेज अटैच नेटवर्क, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो कहने का मेन पर्पस, अभी मैं रियल एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी तक के जितने भी यूट्यूब के अंदर वीडियो बनाए वो अराउंड 100 GB के वीडियो बन चुके हैं। कितने? 100 GB के वीडियो बन चुके हैं। तो मैं यूट्यूब के अंदर अपलोड करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ गूगल फुल हो गया? नो, ऐसे तो कभी एरर नहीं। मैं इंस्टाग्राम के अंदर वीडियो अपलोड इमेजेस डालते ही जा रहा हूँ, ऐसा कभी बोला इंस्टाग्राम में आज इंस्टाग्राम फुल हो गया? आपका डेटा वहां पे अपलोड नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो वो सब मैनेज कैसे करते हो गए? क्यों? तो उसके पास खुद का डेटाबेस है। इसके बारे में आपको स्टडी करवाना चाहता हूं। और मैनेजमेंट मिस गुड, मैनेजमेंट का एक बड़ा सा प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। अभी आपको मैं इन्फॉर्म करूं, मैं वापस नई थर्ड स्कूल ज्वाइन करने की ट्राई कर रहा हूँ। मिस उसने सामने से ऑफर किया, जैसे गजरा थी, राइट, आशादीप थी, हमारे वहां पे कदरगाम पे अंकुर स्कूल भी है, वो भी सर टीचर्स प्राइड भी दे रहे। सर आप ऑनलाइन तो ऑनलाइन जितना भी करवा सकते तो करवा दो। तो कहने का मेन पर्पज, मैं अभी ये सबको मैनेज कैसे करूंगा? तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। कुछ भी 90-20, जैसे मैं संडे हॉलीडे लेता हूँ तो मैं आपको एडवांस में इन्फॉर्म करता हूँ। जब भी आप 1 वीक के अंदर फ्री हो तो मुझको आप इन्फॉर्म कर देना। तो मैं दूसरे भी ट्यूशन, मैंने बीच में से एक डे ऐसा रखा है जो जितने भी बाय मिस्टेक मेरे लेक्चर मिस हुए हैं उसको मैं प्रॉपर वे में बैलेंस कर चुकूं। ओके, सेकंड मैंने ऑप्शन इसके लिए भी दिया, हम लाइव वीडियो भी करते हैं इनके लगभग, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपके वहां पे कोई फैमिली फंक्शन है और वो लेक्चर मिस हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं वीडियो, सेकंड ऑप्शन। थर्ड मैंने क्या मैनेजमेंट करने के लिए, डोंट वरी, इससे भी आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है रेफरेंस बुक से, तो मैं आपको पीपीटी या मेरे वॉइस के थ्रू प्रॉपर वे में एनिमेशन देके भी आपको यूट्यूब के अंदर वीडियो बना के भी मैं दे रहा हूँ। तो आपको कौन सा चॉइस करना है, ओके, वो सब। और वो डायरेक्टली मैं जो भी ऑप्शन यूज करता हूँ वो सब क्या यूज करता हूँ, सिस्टम। सिस्टम इज व्हाट, कंप्यूटर। और आप तीनों को मैं इन्फॉर्म कर दूं, अभी जो आईटी की डिमांड आने वाली है, ओके, वो 50 साल तक जाएगी नहीं, इतनी गुड डिमांड है। तो इन फ्यूचर आप अपने फील्ड के अंदर कहीं भी करियर बनाना चाहते हो, इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री के अंदर, तो प्लीज आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, स्पेशली आईटी। ओके, आपको मैं 110% श्योरिटी के साथ इन्फॉर्म करूंगा,
आपको ये 2 साल मेरे अंडर में स्टडी करो तो आपका एक भी डेज फॉगट नहीं जाने दूंगा, मिस ऐसा नहीं लगेगा आपको टाइम पास हुआ, ओके। अदरवाइज आपको जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है इन फ्यूचर आपको 110% ये आपको काम आएगी। तो एक बार हम यहाँ पे अभी टेक्स्ट बुक रिफर करते हैं कि ये सब कैसे होता है। अभी करंट सिनेरियो कैसे है, कैसा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू है, हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमको इंटरेस्ट है अभी। लाइक अभी आप टेक्स रीड करो, घर पे फिजिकली बुक लेके आओ, मूवी देखो, हम क्या करते हैं डायरेक्टली लाइव वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है हमको यूट्यूब के अंदर वीडियो देखना अच्छा लगता है कि हमारे क्या होता है एंड में अवेलेबल वो पीडीए हमारा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, ओके। कोई एक्स्ट्रा किट पिट नहीं, जब हमारे टाइम पे फ्री हो तो हम यहाँ पे डेटा व्यू कर सकते हैं। डेटा इज स्टोर एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिकली, इसके लिए क्या आपको रिक्वायरमेंट है उसके लिए अंदर देखिए यहाँ पे लिखे ऑर्गेनाइज नाउ बिगिनिंग द ग्लोबल, मीन्स पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज, जैसे मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ वो पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो आपको डीबीए में समझा रहा हूँ ना, आप कोई भी बीसीए एमएससीआईटी बीएससीआईटी आईआईटी का स्टूडेंट एसवीआईटी का स्टूडेंट या आईआईएम का स्टूडेंट किसी को भी पूछना, मैं आपको डीबीएमएस के बारे में कुछ स्टडी करना आता है 110% कि एक बार डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रॉपर वे में सिक्योर रखने के लिए ये सब कुछ हमारे लिए क्लैरिफाई हो। देखो कैसे कहां पे हमको यूज करते हैं, रजिस्टर्ड फाइल, मेंटेन इन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन, व्हाट इज अ गूगल, व्हाट इज अ गूगल सर्च इंजन, सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है, व्हाट इज अ फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट इज अ फेसबुक, फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, उसका मीनिंग होता है हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो ऑन द स्पॉट आपको अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे आईआरसीटीसी जैसी वेबसाइट है ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए, ओके। ऑनलाइन बैंकिंग, अभी आप देख रहे हो पेटीएम गूगल पे ये सब डेटा मैनेज करते हैं ना आपका, ओके। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, चलो हम गुजराती की बात करें, आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड का फॉर्म भरा था आपने, यस। इसके बाद एक कॉल लेटर आया था, एग्जाम का कॉल लेटर निकला था, वही स्कूल में आपको एग्जाम देने जाना था। तो ये सब ऑनलाइन डेटा मैनेज कौन करता है, ऐसा क्या उसका सर्वर का नाम क्या है, उसका नाम है जीस्वान, क्या नाम है, जीस्वान, जीस्वान, जीस्वान नाम का सर्वर है जो स्पेशली हमारे गुजरात के लिए बनाया है, वो हमारे गुजरात के जितने भी सिटीजन है वो सबका डेटा मैनेज करता है। इसके बाद इंडिया का जैसे आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, जो ऑनलाइन आप प्रोसेस करते हो, इसमें भी आपका स्पेसिफिक डेटा स्टोर है, इसका नाम है परम। एक दूसरा मोदी जी ने एक नया सर्वर डिजाइन करके रेडी किया है, परम एंड प्रथम, ये कंप्यूटर के नेम्स है। इतने बड़े कंप्यूटर है, जो आपके घर पे लैपटॉप है ना, वो लैपटॉप को इतना बड़ा कर दो, एग्जाम्पल दू, पूरा हमारा आपका हाउस ऐसे 3 गुना हो जाए, मीन्स आपकी पूरी सोसाइटी इसमें कवर हो सकती है। वो कंप्यूटर के अंदर आप खुद वॉक भी कर सकते हो, इतने बड़ा कंप्यूटर है। लोगों कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है, पूरे इंडिया के आधार कार्ड का डेटा कलेक्ट करना, जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ओके। आपको कोविड की इफेक्ट लगी है, ओके, कोरोना हो चुका है, तो आपको कौन से एप्लीकेशन के थ्रू मालूम पड़ेगा, आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु, ये एप्लीकेशन कहीं भी रिकॉर्ड तो किसी ने स्टोर किया होगा ना, यस यस सर, तो रिकॉर्ड कहाँ स्टोर किया होगा, सुपर कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर। इसीलिए चैप्टर 13 मैंने आपको, कंप्यूटर में भी 3 कैटेगरी है याद है आपको, सुपर, मेन, मिनी, माइक्रो, लास्ट वन क्या था, नैनो टेक्नोलॉजी। जो सुपर कंप्यूटर है ना तो मोस्टली रोबोट्स, रॉकेट लॉन्चिंग, राइट है, सैटेलाइट के साथ बात करने के लिए वो सुपर कंप्यूटर यूज, क्योंकि इसमें एक मिली सेकेंड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है, नासा है, सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर नासा के पास है, और सबसे हाई स्पीड वाला जैसे आपका लैपटॉप के कैसे होता है i3, i5, i7,
अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर के अंदर? यस, टेंथ और इलेवंथ लॉन्च हो चुका है इसमें भी, तो ये स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड के साथ साथ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, अभी आपको मालूम है जीएसटी, हम जीएसटी को फिजिकली कोई ऑफिसर आपके घर पे आता है कलेक्शन करने के लिए, लाओ जीएसटी मुझको दे दो, आपको खुद को ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर ये फिल करना है। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले को कैसे मालूम पड़ेगा ये पर्सन? अभी एक वीक पहले ही हमारे यहाँ पे मैंने करमचंद करके एक टॉबेको का कंपनी है गुजरात के अंदर, कितने करोड़ का कोभांड मालूम है? 98 करोड़ का। वो क्या सेल करता था टॉबेको, जैसे विमल है, रजनीगंधा है, कैसे जैसे हमारे यहाँ पे ओल्ड ऐसे, तो आप देखो तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा ये पर्सन चीटिंग कर रहा है? तो उसको ऑनलाइन डेटा में मालूम पड़ जाता है। ये टैक्स फिलिंग का भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग मींस व्हाट? शेयर मार्केट। आपको मालूम है एक ऐसा बिजनेस है जो पूरा ऑनलाइन चलता है, शेयर मार्केट। अभी एक एक अच्छे सी वेब सीरीज की वजह से शेयर मार्केट में कौन सी कैम देखा है दीदी आपने? नो सर। लो कहीं ऐसे मैंने भी नहीं देखा, मैं मना नहीं, पर उसके बारे में मैंने सुना हुआ है। उसमें एक हमारा गुजराती पीपल्स होता है, ओके, जैन वाणिया, वो शेयर मार्केट के अंदर जैसे फ्रॉड, विजय माल्या के कैसे किया फ्रॉड किया, ऐसे ही ऑनलाइन में भी स्टॉक मार्केट अंदर सबसे पूरे वर्ल्ड में फेमस फ्रॉड कर दिया SBI बैंक के साथ ये सब। तो इसकी एक अच्छी सी वेब सीरीज थी, इसमें कुछ सीखने जैसा तो ज्यादा नहीं था, डेयरिंग करना सीखना है, पर वो पागल जैसा डेयरिंग है वंस अपॉन टाइम देखिए। तो ऐसा कहने का मेन पर्पज क्या है? तो वंस अपॉन टाइम जब भी आप अभी आप देखो यंग जनरेशन क्या कर रहे हैं मालूम है, ये एक पूरा एक बिजनेस है, बिजनेस में उसको स्टडी करना पड़ता है। जैसे आप शेयर मार्केट एक स्टडी का बिजनेस, पर हमारे यहाँ यंग जनरेशन क्या करते हैं? शॉर्ट मार्केट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सुना है? यस। बिटकॉइन का नाम, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी थी, एक डिजिटल करेंसी, किसी को हमारे यहाँ पे किसी को मालूम था नहीं एक्चुअली बिटकॉइन है क्या, पर ये करेंसी बंद हुई ना, सब ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया। और हमारे यहाँ पे स्पेशली आप जैसे यंग जनरेशन जो बैठे बैठे मनी बनाना चाहते हैं, वो भी शॉर्टकट बन सकती है, मेहनत के बिना भी हो सकती है, पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं इसके लिए आपको मेहनत फिजिकली नहीं करना है, मेंटली करना पड़ता है, पर हम सब वो करते नहीं है। बाद में क्या होता है, फादर ने अभी तक पूरे साल में पूरी लाइफ में जो इस्टेब्लिश किया वो जीरो हो जाता है। क्यों? प्रॉपर प्लानिंग के साथ उन्हें मनी को इन्वेस्ट नहीं किया। स्टॉक मार्केट ऐसा है जो पूरे प्रोग्राम के थ्रू चलता है, एल्गोरिथम होते हैं। ओके, मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। एल्गोरिथम मींस व्हाट? ओके, जैसे एग्जांपल दो, एल्गोरिथम का बेस एग्जांपल देता हूं। जीमेल का पासवर्ड कितने कैरेक्टर का है? जीमेल का मिनिमम कितने कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए? 8 होगा। हाँ, मिनिमम 8, मैक्सिमम 16। अभी जीमेल का तो अकाउंट है ना सबका? जीमेल का अकाउंट नहीं होता ना तो मेरे साथ गूगल में ज्वाइंट ही नहीं हो पाते। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल, एटीएम का पासवर्ड कितने कैरेक्टर का होता है? 4। एटीएम का 4, जीमेल का 8। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, एटीएम में मनी इंपॉर्टेंट है या जीमेल का अकाउंट? एटीएम, समझ रहे हो ना? तो आपको क्या लग रहा है एटीएम वाले पागल होंगे? उसने ओनली फॉर 4 डिजिट का ही पासवर्ड रखा, पर उसका एल्गोरिथम अलग है, डिफरेंट है, और जीमेल का एल्गोरिथम डिफरेंट है। और मोस्टली ये एल्गोरिथम कौन बनाते हैं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जिसका मैथ्स पावरफुल हो। ओके, और मोस्टली साइंस वाले स्टूडेंट इसमें ज्यादा एडमिट लेते हैं। एल्गोरिथम एक बड़ा है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना है, पर ये प्रोग्रामिंग इतना पावरफुल होना चाहिए। ओके, जिसमें ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेस समझाता हूँ। देखो एटीएम के अंदर कितनी स्ट्रांग सिक्योरिटी है जो जीमेल में नहीं है। कैसे? अभी आप लोग एटीएम हैक हो जाता है, मैं आपको इन्फॉर्म दूं एटीएम हैक क्यों होता है। ओके, अभी आपको पूरा एटीएम उठा के चला गया वो अलग बात है, हमारे यहाँ पे ऐसे भी केसेस आए थे। Yes. पूरा का पूरा एटीएम उठा के लेके चले जाते हैं,
और बाद में घर पे शांति से तोड़ते हैं उसको, ओके क्योंकि ये हो चुका है। वो इतने स्मार्ट होते हैं। देखो इसमें ऐसा होता है, जब एटीएम मशीन होता है ना, एक उसका बॉक्स होता है, जो भी कैमरा वो सब लेकर है, वो फ्रंट साइड कैमरा होता है, राइट है भाई। यहाँ से डोर ओपन करे और वो पर्सन का, पर पीछे वाला पोर्सन का क्या करेगा? तो वो पर्सन क्या गया, पीछे से गया, बीच कुछ हो सा पार्टीशन जैसा कुछ होगा, और पूरा का पूरा मशीन को कॉन्टेक्टलेस कर दिया और उठा के चला गया। वो पकड़ा कैसे गया आपको मालूम है? 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो झुपड़पट्टी में रहने वाला पर्सन हर रोज एटीएम में से थोड़ा थोड़ा करेंसी निकालता है, पर बाय मिस्टेक उसने कार ले ली सडनली। जब कार ले ली तब तक प्रॉब्लम नहीं था, पर उसमें से एक पर्सन को डाउटफुल हो, जब कार लेने गया ना तो वो पर्सन तो थोड़ा तो आइडेंटिफाई मालूम पड़ ही जाता है। कार उसने सेकंड ने ले ली yes. उसके बाद में, इसके बाद वो उसके घर पे रेड पड़ी, तब मालूम पड़ा इसने एटीएम मशीन चुरा लिया पूरा। तब तक गवर्नमेंट को भी मालूम, सब पकड़ते ही रहेंगे क्योंकि वो इतना स्मार्ट, कॉमन सेंस उसने यूज कर लिया। तो कहीं टाइम हमारे पास ये ऐसे केसेस आते हैं, और बाद में जो फ्रॉड होता है वो सब आपकी मिस्टेक है। आपकी मिस्टेक क्या है होते हैं, आप बाय मिस्टेक अपना एटीएम का पासवर्ड शेयर कर देते हो मोबाइल के थ्रू, आपके फ्रेंड को दे देते हो, आपके एटीएम कार्ड लॉस हो जाता है, तब होता है। या आपको लिटिल बिट कोई भी इंफॉर्मेशन जो एटीएम के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तभी आपके साथ फ्रॉड होता है, अदरवाइज सब ट्रस्टेबल है, ओके तो ये एटीएम पे आप ट्रस्ट रख सकते हो। इसके लिए नया इसके अंदर भी कार्ड भी आया, तो आप देखोगे तो वाईफाई कार्ड भी आया है, आपको मालूम है एटीएम का कार्ड, आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना है उसके ऊपर, ओनली फॉर टच कर देना है। अभी आपके फादर के अंदर जो नया ये 1 ईयर के अंदर एटीएम कार्ड निकला हुआ है, तो उसके ऊपर देखना वाईफाई का सिंबल है, उसका मीनिंग क्या होता है, आपको पासवर्ड जब आप कार्ड स्वैप करते हो तो पासवर्ड एंटर नहीं करना है। क्यों? जब पासवर्ड आप एंट्री करते हो ना तो वो पासवर्ड आपका फिंगरप्रिंट से कैमरा में, अभी देखो सब जगह पे कैमरा आ गया, आप एंट्री करते हो कैमरा से रिकॉर्ड हो जाता है आपने कौन सा नंबर, आपका पिन नंबर कौन सा टाइप किया, तो बैंक ने अंदर वापस नया सिक्योरिटी ऐड कर दिया। आपको वाईफाई मिस कार्ड के अंदर कोई आप कार्ड को टच करना है, ओके वो कार्ड के अंदर RFID टैग होता है, स्मार्ट कार्ड है, उसके अंदर आपको पासवर्ड ड्राइव नहीं करना है, तो डबल सिक्योरिटी होगी। तो देखिए ऐसे नए नए पॉइंट्स हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। उसके बाद ये सबका इंफॉर्मेशन कैसे, डॉक्टर को चाहिए, इंजीनियर को चाहिए, ओके ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, ब्रोकर एजेंट है, एजुकेटर है, स्टूडेंट है, ये सब हम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में और डेफिनेशन के बारे में क्लैरिफाई कर लेते हैं, व्हाट इज अ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा टॉपिक, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ओके तो डेटा एंड इंफॉर्मेशन रीड करने से पहले, ओके चलिए दीदी आप रीड करिए ये लाइन। All kinds of facts, figures and details related to people, places, things or events is known as data. Okay. क्या लिखा है? All kind of the fact. आपका birth date है, fact है, वो figure है, point है, उसके अंदर details है. वो किसका होना चाहिए? Person का होना चाहिए, people का होना चाहिए, कोई place का, जैसे like address है, thinking है, वो सब data है. Data के अंदर दो type की category है. देखो data हो सकता है, मे बी डेटा आपका V10 में हो, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, किसी ने तो लिखा होगा ना, मैं भी आपको वही नॉलेज दे रहा हूं पर ऑरली दे रहा हूं। आपके पास PDF है, अभी आप देख रहे हो ना, जो नॉलेज ले रहे हो, मेरा डेटा जो यूज कर रहे हो वो कैसे कंप्यूटराइज है, जैसे मेरे यूट्यूब का वीडियो आप देख रहे हो वो कंप्यूटराइज है। नॉन कंप्यूटराइज मीन्स व्हाट? जेरॉक्स कॉपी में मैं दे रहा हूं, मेरा मटेरियल आपको मैं दे रहा हूं, तो उसको बोला जाए नॉन कंप्यूटराइज, ओके। तो ये हुआ उसका डेटा का डेफिनेशन, बट उसके अंदर मेन क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, सबसे पहले आप फर्स्ट सेम 11th में मिले थे ना, मैंने आपका सबका डेटा कलेक्ट किया था, मुझको याद है कौन सा डेटा मैंने कलेक्ट किया था, तो आपका 10th में कितने परसेंट रहते हैं, राइट, 11th में कितना लाना सा आपका गोल है, और 12th में कितना लाना है, तो आपने डिसीजन लिया कि नहीं लिया, मैंने डिसीजन ले लिया, ओके भाई ये स्टूडेंट की इतनी कैपेसिटी है, मैं इसके ऊपर इतना मेहनत करूंगा तो 110% ये बच्चे 95 जा सकते हैं, पर इसके लिए 11th का बेस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, राइट है? तो ये सब कुछ थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करने के बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ,
अदरवाइज क्या होगा, ट्वेल्थ के बाद दिवाली के बाद मिल दो सर कंप्यूटर के अंदर मुझको सिखा दो, तो सिखा तो देता हूँ। तो मैं वहां पे आपको 100 ATA के साथ नहीं बोलता, 100 में से 95 आप आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल पॉइंट क्लियर नहीं है। सेम इंफॉर्मेशन की बात करें, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन द अनदर एंड डिस्क्राइब एज द रिक्वायरमेंट रिजल्ट। ओके, इतने लॉन्ग प्रोसेस नहीं बोला जाता है। इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट प्रोसेस डेटा, समझ में आ रहा है, प्रोसेस द डेटा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं। ओके, डेटा को कलेक्ट किया, जैसे एग्जांपल, सबसे पहले मैं जीमेल का अकाउंट रजिस्टर करता हूं, तो जीमेल वाले क्या आपके पास डिमांड करते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, बर्थ डेट और टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो, प्रोसेस क्या करते हो, आप जीमेल में लॉग इन हो सकते हो, वही ईमेल आईडी का यूज फेसबुक में लॉग इन हो सकते हो, प्ले स्टोर के अंदर लॉग इन कर सकते हो, गूगल मीट के अंदर लॉग इन हो सकते हो। तो एक बार आपने डेटा दिया और एवरी टाइम क्या कर रहे हो, आप प्रोसेस कर रहे हो, वो डेटा का यूज कर रहे हो। समझ में आया आपको? यस या नो? उसका प्रैक्टिकल मुझको स्टार्ट करना है, पहले उसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, पूरी रामायण खत्म होगी, बाद में बोलोगे सर इसमें राम क्या है और इसका यूज कहाँ पे होता है। तो मैं वही एग्जांपल देने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, जो स्टार्टिंग में बोरिंग लगता है, और ये सॉफ्टवेयर अभी भी हम सब यूज करते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, मेडिकल स्टोर पे जाओगे जहाँ स्टॉक मेंटेन होता है, मॉल के अंदर कंपलसरी उसके पास डेटाबेस होता है। DBMS के बिना अभी पूरे वर्ल्ड में एक भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बट उसके भी डिसएडवांटेज थे, वो रिमूव करने के लिए हमारे पास 8 DBMS आया। ओके, क्यों, उसका रीजन मैं आपको बोलता हूं विद प्रूफ के साथ। DBMS में क्या डिसएडवांटेज था, ये DBMS है ना, लेस डेटा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, समझाता हूं। आपके क्लास के अंदर ट्विन्स ब्रदर हो तो, ट्विन्स ब्रदर तो डेटाबेस के अंदर वो कैपेबल नहीं था। ट्विन्स ब्रदर के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, देखो दोनों का फोटोग्राफ सेम, फेस सेम जैसे ही दिखता है, दोनों का नेम भी सेम हो सकता है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है रामू, तो आर ए तो सेम आया, ओनली फॉर एक लेटर का डिफरेंट है। ओके, दोनों का फादर नेम सेम, बर्थ डेट सेम, एड्रेस सेम, मदर सेम, पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर सेम। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ? तो DBMS वो कैपेबल नहीं था, तो वो डिसएडवांटेज रिमूव कर दिया RDBMS में। तो कैसे कर दिया, तो आपके क्लास टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसको मैं रामू बुलाऊ या राम बुलाऊ, सब कुछ सेम जैसा दिखता है। ओके, बट आपके क्लास टीचर उसको रोल नंबर दे देते हो, भाई राम का रोल नंबर 1 और रामू का रोल नंबर 2, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने एक रिलेशन मेंटेन किया, समझ में आ रहा है। अभी हो सकता है मेरे नाम वाले पूरे वर्ल्ड में कहीं और भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, गूगल के अंदर सर्च करना हार्दिक सर, वैसे 1000 मिल जाएंगे। हो सकते हैं मेरी सरनेम वाले भी 1000 हो सकते हैं, लगभग हो सकते हैं फादर नेम भी सेम हो, ऐसे तो कोई सिक्योरिटी नहीं कि आपका नाम यूनिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, नो। बट आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, यूनिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, डिफरेंट है, यूनिक बोला जा सकता है, डिफरेंट मीन्स पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर डिफरेंट है, आपका मोबाइल नंबर, कभी किसी का मोबाइल नंबर सेम हुआ, नो no. कभी आपका जीमेल आईडी सेम हुआ, नो no. कभी ऐसा हुआ वेबसाइट का नेम सेम हुआ, मैं लिखता हूं www.google.com और याहू खुल गया, नो no. तो ये सब होता कैसे है, अभी आपको ट्रैक पे लेके जा रहा हूं। तो यहां पे DBMS इंपॉर्टेंट है, मीन्स एक यूनिक नेम दे देते हैं, यूनिक नंबर देते हैं, यूनिक डिजिट नंबर देते हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड में हो सकते कॉमन डेटा होते हुए भी उसको हम डिफरेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके लिए URL का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
जिसे www.google.com लिखते ना, वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक है। आपको गूगल का ही वेबसाइट खुलेगा, उसका ही पेज खुलता है। तो सेम मैं आपको इतने ग्रुप के अंदर आपके नाम से बुलाऊंगा, तो हो सकता है आपके क्लास में सेम दीदी स्टूडेंट वाले दो स्टूडेंट हो, तो मैं बोलूंगा दीदी तो दोनों सर कौन सी वाली, बड़ी वाली या छोटी वाली, होता है ना, होता। तो मैं बोलूंगा नहीं छोटी वाली, ओके। तो ऐसा कंफ्यूजन कम हो, उसका लेस हो। मैं दीदी को रोल नंबर दे दूं तो, या उसका नेम आइडेंटिफाई करके प्रॉपर सरनेम के साथ बोलूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक नया कंसेप्ट होता है आर, आर का मीनिंग होता है रिलेशनल, ओके। चलिए डेटा बेस मॉडल के बारे में क्लैरिफाई करते हैं। अभी देखो ये सब लाइब्रेरी के अंदर भी काम हो जाता है, लाइब्रेरी के अंदर इतनी सारी बुक है, ओके। उस सॉफ्टवेयर के अंदर स्टॉक मेंटेन है, कितनी बुक रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे रीड किया है, कहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल स्कूल के अंदर दिया है, ओके। स्कूल के अंदर है, यहाँ पे दिखा है यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, किसने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट इज इश्यू द यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, हम उसको क्या बोलते हैं, आधार प्रोजेक्ट, मीन्स आधार कार्ड। पूरे वर्ल्ड में आपको यूनिक देने के लिए क्या दे दिया, पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट नंबर। जैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे आप इंडियन हो, उसका प्रूफ क्या है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू ये मैनेज होता है। अभी देखो डेटाबेस की डेफिनेशन यहाँ पे है। अभी तक हमने डेटा के बारे में लर्न किया, इंफॉर्मेशन के बारे में क्लैरिफाई किया, अभी आपको डेटाबेस, डेटाबेस मीन्स व्हाट, कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा। कलेक्शन मीन्स व्हाट, पे स्कूल के है तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड होना चाहिए, ओके। मैं इंडियन हूं और मैं यूएसए का रिकॉर्ड रखूंगा तो मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, उसके लिए मुझको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं टीचर हूं, ओके, तो मैं किसके रिकॉर्ड रखूंगा, मेरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखूंगा, स्टूडेंट के मार्क्स कितने, कितने स्टूडेंट को प्रोग्रेस करना चाहिए, कितना मार्क्स अप होना चाहिए, कितना डाउन होना चाहिए, वो मेरे। मैं आपका बर्थडे याद रख के मैं क्या फायदा, मैं थोड़ी मैं आपका फ्रेंड हूँ। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ओके। हाँ मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, भाई मेरे स्टूडेंट का मार्क्स कितना कहाँ पे लेस हुआ था, कितना चैप्टर बेस क्लियर है, कितना अप हुआ है। दूसरा जो काम होता है वो दूसरे फ्रेंड करता है, ओके। दूसरा में हम क्लैरिफाई करते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे रिलेटेड डेटा के बारे में, स्टोर इन ऑर्गेनाइज मैनर। ऑर्गेनाइज मैनर मीन्स व्हाट, प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ता है। प्रॉपर वे में आप बोलोगे तो सर कैसे पॉसिबल है प्रॉपर वे में, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो ये डेफिनेशन रीड करो प्लीज, रुद्र, एज पर द कॉमन डेफिनेशन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कंटिन्यू। As discussed earlier, data is stored because data is to be used. Thus, the word related and organized is very important definition of database. You may compare storing data to arrange things in your room. You might be receiving instructions from your parents and teachers to keep your belongings at the proper and pre-decided place. You may fix a place of school bag, stationery book, etc. You may label the compartment in the book shelf. For example, science, general knowledge, etc. If your father gives you a book on a human body, you may decide to keep it in the science section. Next time when you want to read it, it would be very easy for you to find out the same book. Logical arrangement of these things always makes searching easier as and when required. Okay. I hope so. आपको समझ में आ गया है। ये एग्जाम्पल क्या आपको समझा रहे हैं? जिसे आपको अपनी स्कूल बैग अरेंज करना हो तो आप कैसे अरेंज करते हो अपने स्कूल बैग के अंदर डेटा? आपकी बुक के ऊपर टाइटल होता है, नहीं होता तो आपको लिखते हो। और मैं क्या करता हूँ, मेरे जितनी भी बुक्स है वो कॉर्नर पे उसके क्रॉस में नाम लिख देता हूँ, तो मुझको एग्जैक्टली नाम मालूम पड़ेगा, ओके ये साइंस की बुक है या एसएस की बुक है या जीके की बुक है। जब भी मुझको टीचर्स बोलेंगे चलो साइंस की बुक निकालो, तो वो टाइम पूरी बुक निकाल के नहीं उसका नाम देख के ही मैं निकाल देता हूँ। तो मैंने कैसे अरेंजमेंट किया था, लॉजिकल, मेरे मेरे ब्रेन का यूज किया, ओके, और प्रॉपर वे में मैनेज किया। आपके क्लास टीचर ने आपको मैनेज करने के लिए कैसे दिया, आपको टाइम टेबल दे दिया,
भाई ये डे में इतने इतने लेक्चर्स आएंगे, फर्स्ट लेक्चर इसका होगा, सेकंड, तो उसने भी अपने हिसाब से अरेंज किया यहाँ, ओके, आपने अपना ब्रेन यूज करके उसको प्रॉपर वे में अरेंज किया। यही काम हमको कैसे करना है, कंप्यूटराइज, ये अभी तक आप फिजिकली करते आ रहे थे, कंप्यूटराइज करते हैं, ओके, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का टाइम फिक्स करके दे दिया है, कुछ भी ऐसा चेंजेस होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो सेम यहाँ पर भी यही क्लैरिफाई है, पर इसके लिए अंदर मॉडल के भी ऑप्शंस होते हैं, ओके, आप सब गुड स्टूडेंट साइंस में क्यों आए, आपको मालूम है जो वीक स्टूडेंट है उस क्या स्टडी नहीं करते, ऐसा है? नो, वो भी स्टडी करते हैं, आप भी स्टडी करते हो, दोनों में डिफरेंट क्या है, वो हार्डवर्क करते हैं, आप स्मार्ट वर्क करते हो, आप लेस स्टडी के अंदर प्रॉपर वे में याद रखने की ट्रिक आपके पास है, उसके पास वो सब ट्रिक नहीं है, ओके, वही तो ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पे ये सब क्लैरिफाई करना, क्लैरिफाई अभी देखो, डेटा मॉडल के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक मॉडल है हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल, इसमें से सिलेक्ट कौन सा किया हमने, रिलेशनल, आपको एग्जाम के अंदर पूछा गया, पर डीबीएमएस के अंदर टोटल कितने मॉडल है, 3, हायरार्किकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल डेटा मॉडल, उसमें से हमने सिलेक्ट कौन सा किया है, रिलेशनल, इसके लिए हमारा डेटाबेस का नाम क्या रखा है, RDBMS, जो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करने वाला है, क्लियर है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई करने वाला है। अभी इसके बाद यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, राइट, अभी इसके अंदर आपको क्या क्या काम कर सकते हो, क्या परफॉर्मेंस कर सकते हो, कंप्यूटराइज ही काम करना है, पर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डेटा को, क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग हो सकता है, रिमूव हो सकता है, ऑर्गेनाइज हो सकता है, ओके, रिट्रीवल हो सकता है, सिक्योरिंग कर सकते हैं, मेंटेन द बैकअप, अलाउ द मल्टीपल यूजर, अलाउ द मल्टीपल डेटा यूज, मल्टीपल लैंग्वेज एंड अलाउ डेटा स्टोर इन द मल्टीपल प्लेस। अबे ये सब कुछ हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करने के बाद, ओके, ये जितने भी टास्क बोला वो टास्क करने के लिए जो भी कैपेबल है उसको क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज हमने सबसे पहले डेटा की डेफिनेशन लर्न की, सेकंड इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन लर्न की, बाद में डेटा मॉडल के बारे में हमने क्लैरिफाई किया, उसमें से हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, RDBMS वाला, इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई किया, और लिटिल बिट उसकी थ्योरी परफॉर्मेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। इसके लिए जहां भी वर्क करते हैं, जो भी पर्सन उसके लिए डिसाइड है, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो सबकी डेफिनेशन सेम जैसे दिख रही है, पर वो सेम नहीं है, क्लियर, इतना थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट सर, हमको यहाँ पे सबको मैनेज कैसे करते हैं, मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपके पास, ओके, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, देखो यहाँ पे डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी है, इसके लिए सॉफ्टवेयर है ऑरेकल, इनग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MS Access और बेस, इतने सारे सॉफ्टवेयर है, बट इसमें से हमको सिलेक्ट कौन सा करना है, बेस। जैसे मैं आपको बोला हूं 2D एनिमेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, Synfig Studio, Pencil, राइट, माइक्रोमीडिया फ्लैश, इसमें से सिलेक्ट क्या किया हमने, Synfig Studio, राइट, सेम यहाँ पर भी इसके जैसे ही काम हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे जो है ना उसको बोला जाता है ओपन ऑफिस सूट। देखो बेस इज ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल, अभी ये RDBMS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट सेशन के अंदर वापस इसको थोड़ा सा रिवाइज करके, रिकॉल करके, हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बेसिक उसका डेटा है हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर हमको टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल, इसके बारे में हमको लर्न करना है। इसके बाद में नेक्स्ट थियरी आपको करवाऊंगा, जिससे और भी आपको DBMS के बारे में समझ में आ जाएगा, और आपके एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है।
आई होप सो आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।